प्रशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जीरा आलू। जीरा आलू तो सब बनाते हैं, लेकिन हमारा होटल जैसा क्यों नहीं बनता वो आप ध्यान से देखिए कि क्यों नहीं बनता। इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करी है और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जरा सा हींग, उसी से खुशबू आती है, हींग जरूर डालिएगा। फिर आप डालिएगा लहसुन और आप डालिएगा इसमें जीरा, 2 बड़े चम्मच जीरा डाला है मैंने इसमें, इतना बड़ा चम्मच बिल्कुल, जो मसाले का चम्मच होता है। जैसे ही जीरा क्रैकर करने लगता है हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालते हैं सूखी हुई मेथी। ये देखिए ये सूखी हुई मेथी है, हाथ से मसल कर डालिएगा ताकि इसमें खुशबू आ जाए। बस अब हम इसमें डाल देंगे अपने उबले हुए और कटे हुए आलू, जो कि मैंने 4 टुकड़ों में काट लिए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए नमक भी मैंने डाल दिया इसमें। अब आप इसमें या तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या इसमें आप कुटे हुए काली मिर्च डाल सकते हैं। मैं दोनों डाल रही हूँ, 4-5 काली मिर्च ताजी कूट कर। चलिए तो हमें आलू ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, तब भी बिल्कुल जीरा आलू बाजार जैसे बनेंगे। खुशबू आ रही है ना आपको, और टेस्ट भी आ रहा होगा क्योंकि वर्षा की रसोई में ना फोन से ही आ जाता है टेस्ट और खुशबू। बोलिए हाँ की ना। ये तो हो गई बातों की बात, लेकिन वाकई में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। बस अब हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे और इसमें हम चूर डाल देंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमारे जीरा आलू एकदम तैयार हैं। गर्मा गर्म उबले हुए आलू थे जो कि मैंने बनाए हैं। अगर आपके पास पहले से उबले हुए आलू हो ना तो इसको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। बस अब मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर इसमें, ताकि इसमें खटास भी आ जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। इन आलूओं को आप या तो फुलकों के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, या फिर मैं सुबह की चाय बना रही हूँ तो इसका सैंडविच भी बनाकर खाया जा सकता है। ये बिल्कुल फोटो से भी ज्यादा बढ़िया टेस्ट देते हैं और साथ में इसकी सुगंध इतनी ज्यादा आ रही है, जीरे की, मेथी की, मसालों की खुशबू इतनी जबरदस्त फैल रही है कि ये पूरी रसोई को ना पूरी खुशबू खुशबू कर रही है। तो आप जरूर बनाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।